ऐसा कंपनी है जो FIS एंड DIS का सबसे ज्यादा पसंदीदा शेयर या कंपनी माना जाता है और सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड इन्हीं दो कंपनी के अंदर पैसा लगाया है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में इन्हीं दो कंपनी को जगह देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का टॉप टू कंपनी HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। तो दोनों की कंपनी के बारे में यहाँ पे कुछ टारगेट दिया जाता है। ब्रोकर्स फर्म यहाँ पे रिसर्च करने के बाद कुछ टारगेट दिया जाता है और ये टारगेट विद इन वन ईयर अचीव कर सकता है, ऐसा ब्रोकर्स फर्म का मानना है। तो चलिए जान लेता है कि रिलायंस इंडस्ट्री एंड HDFC बैंक को लेके ब्रोकर्स फर्म का क्या कहना है, क्या इसको आप बाय करें या सेल करें या होल्ड करके चले। तो चलिए जान लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कुछ टारगेट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जैसे ICICI डायरेक्टर का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्री को आप होल्ड करके चल सकते हैं और टारगेट दिया है कितना 2700 का, यानी कि 2023 अक्टूबर आते आते ये 2700 तक जाते हुए आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल का माने, यहाँ पे इंडिया का नंबर वन ब्रोकरेज फर्म माना जाता है मोतीलाल ओसवाल का, तो इसका माने तो ये टारगेट दिया गया है 2855 का, जो 11.70% का अपसाइड है और इसका कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्री को आपको बाय करना चाहिए। ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि इसको आप एक्यूमुलेट कर लीजिए कि 2700 टारगेट दे रहे हैं। प्रभुदास गिरधर का कहना है कि इसको आप बाय कीजिए, 2892 का टारगेट दिया है। KR चौकसी का मानना है कि ये जो टारगेट है ये 16.79% तक अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। HDFC सिक्योरिटीज जो नामे बहुत ही नामी एक ब्रोकरेज फर्म है, इसका कहना है कि 2708 तक ये जा सकते हैं और ये एकुमुलेट आप कर सकते हैं। उसके बाद SMC ऑनलाइन का कहना है कि इसको आप एकुमुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ BOB कैपिटल मार्केट्स का भी कहना है कि ये टारगेट 2670 तक जा सकते हैं। तो किसी का भी यहाँ पर सेल का रेटिंग नहीं दिया गया है, सबका कहना है कि इसको आप होल्ड कीजिए, बाय कीजिए या एकुमुलेट कीजिए। लेकिन ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पे अपसाइड का नजर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि O2C का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। हालांकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में जगह देना ही देना चाहिए। ये एक ऐसा शेयर है जो आपका पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ही बढ़िया बैलेंस क्रिएट करता है, लेकिन वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए ही आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए। तो चलिए अभी जान लेते हैं HDFC बैंक को लेके ब्रोकर्स फर्म का क्या कहना है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। क्वार्टर टू के रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कुछ टारगेट आपको देखने को मिलेगा HDFC बैंक के अंदर। हालांकि ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर रहा है पिछले एक साल के अंदर, लेकिन जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है HDFC बैंक के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का। जो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि ये जो टारगेट है ये 1800 तक जा सकता है HDFC बैंक के अंदर। तो 21% का अपसाइड यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आप जरूर बाय कर सकते हैं, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का कहना है। और एक टॉप ब्रोकरेज फर्म इंडिया के अंदर प्रभुदास लीलाधर, इसका भी कहना है कि आप ये भी 1800 का टारगेट दे रहे हैं जो 21% अपसाइड है। ICICI डायरेक्ट, इसका भी एक अच्छा खासा टारगेट नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है जो 1750 का है। IDBI कैपिटल का मानना है कि ये 1860 तक जा सकता है, जो 25% का पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म, इसका जो टारगेट है वो बहुत बार अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक्यूरेसी बहुत ही हाई करते हैं, तो इसका भी टारगेट एक बहुत ही बढ़िया है जो 26% के अपसाइड के साथ बाय का नजरिया दे रहे हैं। और एक्सिस डायरेक्ट का कहना है कि ये 1800 तक जा सकता है। और लेटेस्ट केयर चौकसी का कहना है कि ये 1836, तो 2023 अक्टूबर आते आते ये 1836 जाते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया एक टारगेट HDFC बैंक को लेके यहाँ पे नजरिया क्रिएट हो रहा है। तो सारे जो टारगेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो एवरेज 1800 का दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर। तो इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए और निवेश करने के बारे में जरूर सोचिए। ये भी एक ऐसा कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर जरूर होना चाहिए। इसके पीछे का रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा एक रीजन है जो आपका पोर्टफोलियो के अंदर एक अच्छा खासा बैलेंस क्रिएट करता है, आपका पोर्टफोलियो को ज्यादा बिगाड़ने नहीं देता है, ऐसा कंपनी है HDFC बैंक।
तो इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। हालांकि ये वैल्यूएशन वाइज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, इसीलिए सारे ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे जो टारगेट दे रहे हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इसके पीछे का आप रीजन ढूंढने जाएंगे क्यों इसके पीछे ये बहुत सारा रीजन दिया होगा, तो ब्रोकरेज फर्म इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और रिसर्च का यहाँ पे कैच यहाँ पे डालते हैं, तो इसको आप ओपन करके भी देख सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो।